दोस्तों नमस्कार, मैं अगली कहानी लेकर आ गई हूँ किस्सा कहानी में। इस बार मिट्टी से जुड़ी कहानी है जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु ने एक संवदिया का दर्द उकेरा है। संवाद पहुँचाने के लिए अपने ही गांव के व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। संवाद पहुँचाने वाला यानी संवदिया, और इसी संवदिया के एक परिचित हस्ताक्षर की कहानी आप सबके लिए प्रस्तुत है। संवदिया। हरगोविंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है क्या इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं? संवदिया के मार्फत से संवाद क्यों भेजेगा भला कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगवा भी सकता है, फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई होगी? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाजा लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना है, चांद सूरज को भी न मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। पांव लागी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहां आज की हवेली बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर झटक रही हैं। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पाल लेती थी। कहां गए वो दिन? हरगोविंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाई ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को कष्ट ही देते हैं, नहीं तो एक घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते भला? बड़ी बहुरिया की देह में जेवर खींच खींच कर बंटवारे की जो लीला हुई, हरगोविंद ने सब देखा है अपनी आंखों से। द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को तीन टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मुदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मोदियाइन आंगन में से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ न बोलेगी। वह चुप नहीं रह सका। मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा? सुनते ही मुदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह मुझों से निमोचिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीप पकड़ के खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीप बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव आता था और मोदियाइन के उसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता था और वसूली के समय जोर जुल्म का एक का दो वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव नहीं आया। लेकिन इसके बाद की दुखनी मोदियाइन फिर से रिपीट लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाम में काबुली का स्वांग किया था। तुम अमारा मुलुक जाएंगा मोदियाइन, अम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएंगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास।
हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकियां लेने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आईं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह से सकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी यहाँ। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में गढ़ा बांध कर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? किस लिए जीऊँ? किसके लिए जीऊँ? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय दो दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आँच के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली। पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली के बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संवाद वाहक। हरगोविंद संवदिया, संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बन कर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। न आगे नाथ न पाछे पघा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वो। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पढ़ूं दाढ़ी धरूं हमरो संवाद, ले ले जाहु रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहां रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं या नहीं? यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भांप लिया कि आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमने वाली। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई हैं वहाँ वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुँचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज अपने आप निकलने लगी, थाना बेपुर खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ,
कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के लिए फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर आया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना, भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ की साग रोटी खाकर कब तक जीऊं। थाना बेपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपनी मायके लौट जाएगी, गांव छोड़कर चली आएगी, फिर कभी नहीं जाएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा, गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली आएगी। किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुना पाएगा, कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर कर रही है। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना। राम राम भैया जी, भगवान की दया से सब आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी हैं? भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? हाँ संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं, मैं कल सिसिरिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हो तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात करके जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी, जमीन जायदाद तो सब चली ही गई, तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते, मेरी बेटी अकेली रह गई है। नहीं माए जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वही बहुत है, टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी, यूँ द्वेवर लोग तो हर बार आकर ले जाने की जिद करते ही रहते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ से हरगोविंद को जलपान लाकर दिया, पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं, माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा, भात दाल तीन किस्म की भाजी घी पापड़ अचार, बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबालकर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं, माए जी पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो पांच बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया।
संवदिया डट कर खाता है और अपहर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया उसने, वह किस लिए आया था, वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माय जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है कि भाभी के बच्चों के जूठन कहकर भी वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही सिसकती आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या हुआ बबुआ, कुछ कहोगे? माय जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे, इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माय जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरे में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डट कर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों, सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज, थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च है तो? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कोई कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब लगाया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वो खरीद सकेगा, और यदि चौनी नकली साबित हुई तो सोमापुर तक ही। बिना टिकट के वह स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून जम गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब दे पाएगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ, थोड़ा हल्का। किया हो रामा नहीं राखो सुख, सपन भयो अब देश पिया को, डोलिया चली माई रो मती यही कर मांगती होई। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी, किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में ही वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपे से आवाज आ रही थी, बैरगाछी कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा, उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस, बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही हो जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आह, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी, 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18, जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाए राह देख रही है बड़ी बहुरिया।
भूखी प्यासी हमरो संवाद ले जाहू रे संवदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद, यह कौन सा गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या सा अंधकार, किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं नहीं नहीं, ये तो खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया है। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे वहाँ वह रोशनी है या आँखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर? हरगोविंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया, हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया, हरगोविंद भाई अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो। हाँ हाँ पियो पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया दूध पिला रही हैं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ, मैं अपने ठल्ला नहीं बैठा रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, बोलो ना। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसलने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वो अपनी गलती पर पछता रही थी।